इसकी जानकारी आज हम आपको टच और वेटेज के माध्यम से देंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और इस दौर के सभी बॉडी पार्ट हमारे और आपकी तरह हैं, देख रहे कि नहीं आप लोग, जैसे वो छोटी भी है या फिर क्रॉस की बहन है, जैसे आप लोगों ने पहन रखी है, बोले बोले गाल है कि नहीं, मुस्कुरा भी नहीं आप लोगों की तरह, परंतु हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको यदि कोई इंसान छूता है, यदि देखता भी है, तो वो होता है हमारा बैक पैर। आपको कौन कौन से पार्ट होते हैं कोई बताएगा? आप बताओगे? आप बताओगे मुझे? आप बताओ कौन कौन से पार्ट होते हैं अगर कोई इंसान को छूता है तो? बताओ। वन टू और जब कोई व्यक्ति हमारी बॉडी के इन पार्ट को छूता है या दिखाता है अपने या फिर आपके देखने की कोशिश करता है, तो वो होता है हमारा दूसरा पैर है। वहां पर हमें क्या करना है? तुरंत उसको मना करना है। क्या बोलना है? क्यों से डोंट टच मी। क्या बोलना है? डोंट टच मी। यदि वो इंसान आपके मना करने पर नहीं मान रहा है तो उसकी शिकायत किसने करनी है? समझ रहे कि नहीं? क्योंकि मान लीजिए मम्मी पापा के घर पे नहीं है, कोई नहीं है, तो आप किससे शिकायत करेंगे? किससे करेंगे? मम्मी पापा बाहर घूमने गए हैं, ठीक है, तो आप किससे शिकायत करेंगे? अपनी टीचर से। टीचर से भी तो कर सकते हैं, टीचर भी तो हमारी मॉम की तरह होती है, होती है कि नहीं? अपनी किसी फ्रेंड से कर सकते हैं, अपनी किसी रिश्तेदार से कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर दबा कर नहीं रखते हो। Thank you.
महिला को कितनी हो बैठ सकते कि नहीं? अगर कोई दो लोग आ गए, दो गर्ल्स आए हो, हाँ बेटा आप भी आ सकते। तब तक हमारी सुरक्षा को
देखें आप किसी बच्चे के साथ कितना गलत हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग इतने जागरूक हैं फिर भी हम बच्चों के साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मम्मी करती है ना, तो जब हमारे जीवन में मम्मी इतना सब कुछ अच्छा कर रही है, यदि वो किसी बात के लिए मना कर रही है तो हमें उनसे गुस्सा करना चाहिए क्या? नहीं, वो हमारा भला ही तो चाह रही है। उनके पीछे हमें उनके भाव को समझना है कि हमारी मम्मी जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा भला चाहती है हर कंडीशन में, इसलिए उनके हर बात को मानना है, बुरा नहीं मानना है। उनसे उन्हें अपना दोस्त समझना है, बल्कि दोस्त ही होती है इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त कौन? मम्मी। मम्मी से ना तो कोई बात छिपानी है और ना मम्मी की किसी भी बात का बुरा मानना है, क्योंकि जब हम बेटा मम्मी पापा के साथ रहते हैं ना, बताएगी हमें क्या क्या बताए बेटा?